नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार की एक डिप्टी सीएम रेणु देवी ने मीडिया का स्तंभ ही बदल दिया है, या यूं कहें कि रेणु देवी की जुबान एक बार फिर से फिसल गई है। जी हां, आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए रेणु देवी ने पहले तो तेजस्वी पर तंज कसा, उसके बाद मीडिया को भी आड़े हाथों लिया और साथ ही कह डाली कि मीडिया डेमोक्रेसी क्या यानी लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है यानी फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कहते हैं, लेकिन रेणु देवी ने उन्हें मीडिया के सामने ही मीडिया को तीसरा स्तंभ करार दिया है। क्या कुछ कह रही है रेणु देवी, आप सुनिए खुद। जो आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से लेटर जारी हुआ था कि कोई भी अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी, उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें ने कहा कि नीतीश कुमार संरक्षण है, संरक्षण देते हैं भ्रष्टाचारियों को और अपराधियों को, हम पे अगर केस करना है तो करें। ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी समझ है, हमेशा मनुष्य को भद्रता में रहना चाहिए, अभद्र बात नहीं करनी चाहिए और अपने ही होश में रहनी चाहिए, किसी भी बात की पूरी जानकारी लेके तब बोलना चाहिए। अब ऐसे बिना मतलब अगर हम बोलते रहें और बिना मतलब किसी के पीछे हम पड़े रहें और चलाते रहें, और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे भाई जो आप सभी लोग खड़े हैं, ये तीसरे स्तंभ है, सही क्या है गलत क्या है ये आपको जज करना चाहिए, उस जज से आगे काम करना। शराब बिकवाने के बाद कह रहे हैं तेजस्वी, कह रहे हैं शराब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लोग बिकवा रहे हैं बिहार में, वो तो जाने भैया, वो वही जानते होंगे, मुझे तो पता नहीं है। बोतल फूटी हुई बोतल भी मिली थी नीतीश कुमार घर के पास, मुझे पता नहीं है, वो पॉलिटिकल वेन्यू नहीं है। मैं मेला में आई हूँ, मेला देखने आई हूँ, मेला में काम करने आई हूँ। एक सवाल और है कि कोरोना को लेकर एक आदेश जारी किया गया है कि जिले के अधिकारी ही झंडोत्तोलन करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि नीतीश कुमार अफसरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं अपने मंत्रियों को। ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना काल था, हमारे नेता जब जाते हैं तो निश्चित रूप से ज्यादा भीड़ हो जाती है, उससे बचाने के लिए कोरोना काल में अभी हमारे इंजेक्शन लग रहे हैं, जब इस साल पूरे इंजेक्शन जब लग जाएंगे तो अब 15 अगस्त आएंगे तो उस समय सभी नेता झंडा फहराएंगे, इसमें किसी का बढ़ावा ना देना क्या माने रखता है। झंडोत्तोलन करेंगे, हम अपना जश्न मनाएंगे। तो सुना आपने, रेणु देवी किस प्रकार से कह रही हैं कि मीडिया तीसरा स्तंभ है, उनको सोच समझकर खबर चलानी चाहिए। इस तरह तेजस्वी पर हमला करते हुए मीडिया को ही तीसरा स्तंभ बता दिया रेणु देवी ने। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमेशा मनुष्य को होश में रहनी चाहिए, पूरी जानकारी लेकर बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव बिना जाने समझे बोलते रहते हैं। बता दें कि बिहार में पुलिस मुख्यालय की तरफ से सोशल मीडिया को लेकर एक पत्र जारी किया गया था, उसी पत्र को आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने आज नीतीश सरकार पर हमला बोला और कहा था कि सीएम नीतीश को हिम्मत है तो सबसे पहले हमें गिरफ्तार कराए। इस पर डिप्टी सीएम रेणु देवी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और इस तरह की बातें कही। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम रेणु देवी ज्ञान भवन में ट्रेड फेयर का उद्घाटन करने गई थी, इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये सारी बातें कही। इस दौरान तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ मीडिया को भी तीसरा स्तंभ करार कर दी।